हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों ही एक ही वीडियो में। तो देखिए, मैंने ये ब्लाउज बनाया हुआ है अपना और इसकी वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। और आप देख सकते हो आगे से पीछे से दोनों साइड से ये कड़ा हुआ है और इसकी जो स्लीव है वो भी कड़ी हुई है इस तरीके से। तो हम इसमें केवल दो टक्स लगा के और ब्लाउज को बनाएंगे, केवल मतलब एक साइड में एक टक्स आएगा। तो इस तरीके से दो टक्स से हम इस ब्लाउज को लगाएंगे। वैसे वन टक्स बोलते हैं इस ब्लाउज को, वन टक्स ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए, इसको हम पहले ऊपर जो सिलाई लगी हुई है उसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हम बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आगे हुक लगाएं या पीछे हुक लगाएं, तो ऐसी कढ़ाई होती है ना, तो आप जहाँ लगाना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, या फिर साइड हुक में भी या साइड चैन में भी बना सकते हो। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत आती है, पहन कुछ लोग नहीं बनाना चाहते हैं तो आगे या पीछे। अगर ऐसा ब्लाउज है तो आप आगे और पीछे कहीं भी लगा सकते हो। और देखिए, इसकी जो लंबाई है वो जितनी है उतनी ही मैं रखने वाली हूँ वैसे तो, क्योंकि मुझे जितनी चाहिए उतनी ही है। इसकी लेंथ 15.5 इंच की है कड़ी हुई, तो मैं उतनी ही रखने वाली हूँ। अगर छोटी भी करूँगी तो नीचे से तो छोटी होने से रही, और ऊपर से अगर मैं छोटी करूँगी तो गला बहुत छोटा हो जाएगा। गला इसका केवल 6.5 इंच का है, इसीलिए इसकी लेंथ मैंने अपने अकॉर्डिंग 15.5 इंच रख दी है। इसी ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही मान लीजिए या फिर अपने अकॉर्डिंग, तो दोनों के ही अकॉर्डिंग उतनी ही है। अब इसका गला केवल 6.5 इंच का है दोनों का ही। देखिए, दोनों का आगे से और पीछे से बराबर का गला दे दिया है इसमें। और देखिए, इसका जो शोल्डर है वो मैंने इस तरीके से 6.5 इंच का रख दिया है और गले के अकॉर्डिंग रखा है 6.5 इंच का। और यहाँ से देखिए, मैंने ये 6.5 इंच का रखा और यहाँ से भी 6.5 इंच का रखा। तो तीनों साइड से मैंने 6.5 इंच का रखते हुए इस निशान को लगाया हुआ है। तो ये छोटा गला है, उस हिसाब से हम इस निशान को लगा रहे हैं। और बड़ा गला होता तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट निशान को अलग करते। अब देखिए, 11.5 इंच का मैंने फिटिंग वाला निशान, मतलब लूजिंग लेते हुए 2 इंच की निशान लगा दिया। 9.5 इंच के हिसाब से मैंने 36 इंच ब्लाउज के हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ, 36 इंच चेस्ट के हिसाब से। तो 36 के हिसाब से चौथा पार्ट हो जाएगा 9.5 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसको 11.5 इंच लेते हुए चेस्ट का नाप और इस तरीके से कट कर दिया। और इसकी जो लंबाई है वो 15.5 इंच रखी हुई है, 14 इंच हो जाएगी टोटल, और आधा आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई में चला जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली। और मैं अगर सोचती ला थोड़ा सा छोटा भी कर दूँ तो इसका जो गला है वो छोटा हो जाता, दोनों ही छोटे हो जाते, क्योंकि फिर दोनों ही पार्ट हमें छोटे करने पड़ते अगर एक पार्ट में छोटा करती तो। अब देखिए, इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, पहले हम इसको बिल्कुल सेम कट कर लेंगे जैसे हमारा आगे वाला हिस्सा है। आपको क्या करना, अच्छी तरीके से सेट करके रखना है ब्लाउज को, आपका जो कड़ा हुआ पार्ट है दोनों साइड से देखते हुए सेट करना है। कहीं भी इधर उधर नहीं डिजाइन होनी चाहिए आपकी, जो एक तरफ की डिजाइन है वही मिलाते हुए आपको सेट करके रख लेना है। तो देखिए, दोनों पार्टों को हमने बराबर से कट कर लिया है इस तरीके से। कट करने के बाद में इसका हम देखिए, जो आगे वाला पार्ट है, पहले मैंने बोल ली, अब पहले तो दोनों ही बराबर हैं, अब मैंने एक पार्ट ले लिया, आप कोई भी ले लीजिए अगर आपके दोनों ही सेम हैं तो। अगर आपके अलग अलग हैं तो आप आगे वाला पार्ट ले लीजिएगा, फ्रंट वाला पीस। तो ये मैंने फ्रंट वाला पीस ले लिया, इसमें से 1/2 इंच का इस तरीके से शेप देते हुए कट कर दिया। कट करने के बाद में हम गला वगैरह अभी इसमें से कुछ भी कट नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको। और केवल 15 मिनट में इस ब्लाउज को बनाना आप सीख जाओगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे पूरी वीडियो को तो। अब देखिए, आपको अस्तर के ऊपर ब्लाउज को उल्टा रखते हुए सेट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने सेट कर दिया, कटिंग कर दी अस्तर के साथ में दोनों को पीसों को। अब गले को आपको इस तरीके से सिलना है। तो गले की जो डिजाइन है ना, उसके किनारी किनारी आपको सिलाई लगानी है, पूरे गले में उल्टा ही लगानी है सिलाई, सीधा ही पार्ट पर नहीं लगानी, उल्टी साइड में आपको किनारी किनारी पूरे, जैसे जैसे आपका गला है, अगर डिजाइन का है तो डिजाइन की तरह, गोल है तो गोल की तरह। अब जो नीचे वाली सिलाई है वैसे ही उल्टी साइड में ही आपको नीचे वाली सिलाई भी लगा देनी है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, जितना हमारा सादा ब्लाउज होता है ना उससे कई ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि उसमें हमें पाइपिंग लगानी होती है, बहुत सारे ऐसे झंझट होते हैं उसमें, टक्स होते हैं, 4-4 टक्स लगाने होते हैं। इसमें केवल हम एक एक टक्स लगाएंगे, 4 टक्स तो हम लगाएंगे ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें कढ़ाई वगैरह है। तो एक टक्स से इस पूरे ब्लाउज को बना के रेडी करने वाली हैं।
तो दो टक्स हमारे आगे आ जाएंगे दोनों साइड में, और दोनों साइड में दो टक्स हमारे पीछे आ जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए जो गले का पार्ट था थोड़ा सा आधा इंच छोड़ते हुए मैंने इस तरीके से कट कर दिया, और कट करने के बाद में इसमें हम एक एक इंच की दूरी पर कट्स लगा देंगे इस तरीके से। जहाँ राउंड शेप है वहाँ पे हमने इस तरीके से पूरे गले पर कट्स लगा दिए। कट्स लगाने के बाद में यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। सेम तरीके से आपको दोनों पार्टों को सीधा कर देना है, और जो गला है हमारा फिनिशिंग देते हुए अच्छे से गले पर और नीचे की साइड में एक एक सिलाई आपको लगा देनी है सिंपल। तो देखिए सिलाई लगा दी, अब हमने फिर से आगे वाला पार्ट ले लिया। हम आगे की हिस्से में हुक आई वाली पट्टी लगाने वाले हैं, इसीलिए तो बीच में से मैंने निशान लगाया, कट कर दिया। आप टक्स वगैरह पहले लगा लीजिएगा, तो मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो क्योंकि इसमें एक ही टक्स लगाना था तो मैंने सोचा बाद में लगा लूँगी। आप पहले लगा लेना ताकि आपको जो हिस्सा है वो पता चल जाएगा क्लियरली कि कहाँ से लगाना है, नहीं तो एक पार्ट छोटा हो जाता है ना और एक पार्ट बड़ा हो जाता है आगे वाला, क्योंकि एक पार्ट फोल्ड होके लगता है और एक पार्ट थोड़ा सा बढ़ के लगता है। अब इस तरीके से मैंने ये हुक वाली पट्टी लगा ली है, थोड़ा सा दोनों तरफ से कोनों को फोल्ड करते हुए इस तरीके से अब सीधी करनी है आपको फिर से, और फिर से सीधी करने के बाद में ऊपर से एक सिलाई और आपको लगा देनी है। सिलाई ऊपर से एक लगाने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि इसको फोल्ड करते हुए पीछे की साइड में ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। अब आपको इसमें तुरपाई वगैरह करनी है बाद में तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए ये हमारी हुक वाली पट्टी लग चुकी है, अब हम आई वाली पट्टी लगा लेते हैं जहाँ पर हमारी आई बनती है। आप बटन वगैरह लगाते हो तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे फैंसी वालों में तो बटन अच्छे नहीं लगेंगे तो आप हुक ही लगाना। आप देखिए दूसरी वाली मैंने हुक वाली जो आई वाली है वो वाली ले ली। आई वाली पट्टी को आपको पीछे से लगाना स्टार्ट करना इस तरीके से, आगे की साइड में कोने से फोल्ड करना है। एक इंच करीब पट्टी को बड़ा लेना है, आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको सिंपल सिल देना है सीधा पीछे की साइड से, और आगे की साइड में फोल्ड करते हुए फिर से आपको सिलाई इस तरीके से लगा देनी है। इस तरीके से हमारी आई वाली पट्टी बनके रेडी हो जाएगी, और हुक वाली जो पट्टी लगती है वो हमारी आगे की साइड से लगती है, पीछे की साइड में फोल्ड होती है, और आई वाली आगे की साइड में फोल्ड होती है। इस तरीके से दोनों में डिफरेंट होता है। और ये हमने दूसरी सिलाई लगा दी है आई वाली पट्टी पे, और इस तरीके से ये हमारी दोनों पट्टियाँ लग के रेडी हो चुकी हैं। अब चलिए हमने टक्स नहीं लगाया था तो वो भी लगा लेते हैं, वैसे आप पहले ही लगा सकते हो। अब देखिए जहाँ से हमारा ये वैसे सिलाई से थोड़ा सा बढ़ गई है, तो यहाँ से हमारी जो निशान था वहाँ से मैंने 4 इंच का, आपको सिलाई से पहले ही ये आई हुक वाली पट्टी लगाने से पहले 4 इंच का साइड से निशान लगाना है, ऊपर से 11 इंच का निशान लगाना है, और उतना आपको टक्स बना देना है। तो देखिए मैं समझा रही थी अपनी बहन को, मेरी बहन बैठी हुई थी उसको समझा रही थी, उसको ही सिखाया है मैंने ये ब्लाउज बनाना, तो इसी के चक्कर में ये आपको दिखाना भूल गई कि मुझे अभी इसमें टक्स भी लगाने थे। आप देखिए इस तरीके से ऊपर से 11 इंच का निशान लगाते हुए और 4 इंच की दूरी पर साइड से निशान लगाते हुए, इधर से तो आई वाली पट्टी में तो ये चला गया है थोड़ा सा, तो उसी हिसाब से मैंने आगे से इंची टेप रखा है इसीलिए। फिर अब देखिए टक्स की चौड़ाई हमें 1 इंच की लेते हुए इस तरीके से, मतलब कि 2 इंच का ये टोटल टक्स लग जाएगा एक ही हमारा, इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए इसे सिलाई को लगा देना है देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से ये हमारा कुछ शेप आ जाएगा। तो दोनों में ही आपको आगे और पीछे वाले हिस्से में एक एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए 1-1 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ टक्स का, और यही सेम आपको पीछे की साइड में भी निशान लगाते हुए टक्सों को लगा देना है। तो ये हमारे टक्स लग चुके हैं, पीछे के हिस्से में भी अब हम टक्स को लगा लेते हैं। तो देखिए पीछे से मैंने फोल्ड किया और 4 इंच की दूरी पर यहाँ पर निशान लगाना है, जैसे कि हमने आगे के हिस्से में लगाया ऊपर से, तो यहाँ से मैंने 4 इंच का ही वैसे ही अंदाजे से ले लिया है लंबाई इसकी टक्स की। इस तरीके से निशान लगाते हुए ये वाले टक्स भी हमें 1-1 इंच के लगा देने हैं, जहाँ पर स्टोन वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर आपको पहले स्टोनों को निकाल देना है फिर आपको सिलाई को लगाना है, नहीं तो आपकी सुई है जो टूट जाएगी। आप इसी तरीके से आगे वाले जो पीछे हुक में भी बना सकते हो सेम तरीके से, केवल आपको पार्ट जो है अलग अलग करने हैं, और बाजू को फिर उसी हिसाब से सेट करना होता है। आप देखिए बाजू की थोड़ी सी मैंने डिजाइन डाली हुई है, अस्तर नहीं लगाया क्योंकि अस्तर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, फिर मैंने लगाया ही नहीं पूरी पे ही। बाजू पर मैंने इस तरीके से डिजाइन डाल दी है, और इसकी वीडियो नहीं दिखाई है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसीलिए।
अब देखिए डिजाइन डालने के बाद में साइड से हमें इसको इस तरीके से मतलब आगे के हिस्से में शेप दे देना आधा इंच का दोनों बाजुओं पर। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें दोनों बाजुओं में शेप दे दिया है, एक एक मतलब आधा आधा इंच का सा, एक एक इंच का नहीं देना, आधा आधा इंच का। ये मैंने निशान लगा लिया है आगे के हिस्से में। अब जो स्लीव है उनको हमें ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आगे के हिस्से को आगे रखते हुए ज्वाइंट कर दिया है हमने स्लीव को। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग फिटिंग लगा देते हैं। तो मैं अपने जब भी ब्लाउज सिलती हूँ तो मुझे बार बार पर नापने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही मैं डायरेक्ट फिटिंग लगा देती हूँ जितना हमने एक्स्ट्रा लिया उस हिसाब से। तो देखिए दो दो सिलाई मैंने लगा के इस ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। इसको सीधा करने के बाद में बहुत ही प्यारा सा हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो जाता है बिना पैसे खर्च किए। और जो सिंपल ब्लाउज होते हैं ना उससे तो जल्दी ही बन जाते हैं, बस इसमें क्या होता है कि ध्यान से हमें सिलना होता है कहीं सुई ना टूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही।